सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। धूप की वजह से अगर आपकी स्किन पे जिद्दी कालापन या फिर आपकी स्किन पे टैनिंग आ गई है तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपकी स्किन पे जिद्दी से जिद्दी कालापन बहुत ही आसानी से दूर हो जाएगा, रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो इसे यूज़ ज़रूर करना। मौसम सर्दी का हो या फिर गर्मी का, आप धूप के संपर्क में जब भी आते हो आपकी स्किन झुलसता है, आपकी स्किन पे कालापन आना स्टार्ट हो जाता है, आपकी स्किन टैन हो जाती है। टैनिंग को दूर करने के लिए मार्केट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं बट उसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है या फिर महंगा होता है या फिर हमें सूट नहीं करता है। बट जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है, पैसे भी खर्च नहीं होंगे और रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलेगा। तो वीडियो फुल वॉच करना क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे किस तरीके से यूज़ कर लेना है जान लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। स्किन को ग्लोइंग और स्पॉटलेस बनाने में कच्चा दूध बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, बस आपको इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका आना चाहिए। तो अब मैं ले रही हूँ प्यारी सी छोटी सी कटोरी में दूध, ठीक है। अगर कच्चा दूध है आपके पास तो आप वो यूज़ कर सकते हो या फिर गर्म किया हुआ दूध है आपके पास जो ठंडा हो जाए तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है कि हमें लेनी है थोड़ी सी हल्दी, ठीक है। एक चुटकी भर आपको हल्दी ले लेना है और आपस में अच्छे से मिक्स करना है। हल्दी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, कलर्ड वगैरह मिला हुआ ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों को हम आपस में मिक्स करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का बन के तैयार होगा। इसका कलर आप देख लो। दूध में पाया जाने वाला लैक्टिक एसिड एंटी एजिंग फेस क्लींजर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये हमारी स्किन को अच्छे से क्लीन कर देगा, साथ ही डेड स्किन्स को बहुत ही ईजिली निकालेगा और हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। तो इसे लगाने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने क्या किया, कॉटन को इस कटोरी में डिप किया है, ठीक है। डिप किया और डिप करने के बाद इससे अपने स्किन को अच्छे से क्लीन किया हुआ है। नेक्स्ट प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो को ना फुल वॉच करना, अभी ही वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। इससे आपकी स्किन की जो ड्राइनेस है वो चली जाएगी, आपकी स्किन डीपली मॉइस्चराइज हो जाएगी, साथ में नेचुरल ग्लो भी आएगा आपकी स्किन में। एक्ने की जो प्रॉब्लम होती है ना, थोड़ी बहुत जो भी एक्ने की प्रॉब्लम होगी इससे दूर हो जाएगी। इसे आपको इसी तरीके से रहने देना है, 5 मिनट के लिए धो देना है, ठीक है, 5 मिनट के बाद। सेकेंड, अब हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे कि एक छोटी सी कटोरी ले लेंगे, उसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे बेसन। एक चम्मच आपको बेसन ले लेना है, इससे आपकी स्किन डीपली क्लीन हो जाएगी, जो भी चेहरे पे जो गंदगी होगा वो अच्छे से क्लीन कर देगा। और ज़रूरी नहीं है कि दोनों प्रोसेस को आप एक साथ करो, आपको जब भी दिन में टाइम मिले स्टेप वन कर लेना, उसके बाद ये वाला स्टेप टू कर लेना, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक चम्मच बेसन ले लोगे, इससे क्या होगा ना कि आपकी स्किन के जो दाग धब्बे हैं वो दूर हो जाएंगे, आपकी स्किन पे निखार आएगा। और सबसे अच्छी बात क्या होती है ना बेसन की, ये आपकी स्किन की नेचुरल जो ऑयल होता है आपकी स्किन पे, उसे छीने बगैर ये आपकी स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल को दूर कर देता है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें दही ऐड करेंगे और एक अच्छा सा क्रीम बना के तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दही ले लिया है, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स इतने अच्छे तरीके से आपको करना है कि ये एक क्रीम बनके तैयार हो जाए। दही में मौजूद जो लैक्टिक एसिड होता है ना, वो हमारे स्किन के डेड स्किन सेल्स को दूर करता है, झुर्रियाँ और एजिंग की प्रॉब्लम को कम करता है। साथ ही लैक्टिक एसिड हमारे स्किन को सॉफ्ट बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और तो और पिंपल्स और डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम्स को भी दूर करेगा। तो आप देख लो, मिक्स कर लिया हम लोगों ने। मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरीके से क्रीम बन के रेडी हो गया और इसे अच्छे से अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लो, एकदम मोटा सा कोट अप्लाई कर लो, ठीक है। ये हमारा जो प्रोसेस है ना, सबसे बेस्ट प्रोसेस है। इसके बाद आप एक चमत्कार देखने वाले हो स्किन पे, गजब का ग्लो आएगा आपकी स्किन पे, आप खुद मतलब ऐसे शॉक्ड हो जाओगे कि अच्छा ये हमारी स्किन है भाई, बहुत ही बढ़िया है। तो ऐसा वाला आपको फील होने वाला है, बस अपने फेस पे ढेर सारा ये क्रीम अप्लाई कर लो। अप्लाई करना, उसके बाद आप 2 मिनट के लिए अपने फेस को अच्छे से मसाज कर देना, 5 मिनट के लिए लगा हुआ छोड़ देना और फिर नॉर्मल वाटर से वॉश कर देना। आपकी स्किन पे आप खुद देखोगे मिरर की तरह चमक आ जाएगी, आपकी स्किन का कालापन एक ही बार में काफ़ी हद तक दूर नज़र आएगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चमकदार और ग्लोइंग लगेगी। अगर ऐसा ना हो ना तो आप एकदम कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज, आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।